हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं जलसा जूती की कलेक्शन। ये जो जलसा जूती है दोस्तों, काफ़ी कंफर्टेबल और अट्रैक्टिव देखने में है दोस्तों। और अब ये फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कई कई बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जलसा जूती परचेस करें तो कहाँ रहे, कहाँ से, और लेंगे तो ये चलेंगे भी कि नहीं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए तो हम लेके आए हैं ये जलसा जूती की कलेक्शन। ये बाटा ब्रांड की है और कुछ लोकल ब्रांड की है, लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छा है दोस्त। और अभी इस फेस्टिव सीजन में दोस्तों, ये ऑनलाइन पे अवेलेबल है हाई डिस्काउंट पे। लाइक आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हो दोस्तों। अगर ये ऑफलाइन स्टोर से परचेस करेंगे तो दोस्तों, इसमें आपको वारंटी के साथ भी ये जूती देखने को मिलेगी। फर्स्ट जो जूती के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये बाटा ब्रांड की है। काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी गुड लुकिंग ये जूती है दोस्त। जूती को देखने में दोस्तों बिल्कुल प्रीमियम लुक देते हैं ये जूती। जब इसको पहन के चलेंगे, हर एक स्टेप में आपकी पैर की कंफर्ट बना भी रहेगा और आपकी पैर स्लिप भी नहीं करेंगे। इस वजह से ये काफ़ी कंफर्टेबल जूती है दोस्तों। अपर मटेरियल की बात करेंगे दोस्तों, ये 100% जेन्युइन लेदर से बनाया गया है दोस्तों। और इसकी आउटसोल की बारे में बात करेंगे, ये TPR से बनाया गया थर्मोप्लास्टिक रबर, इसलिए ये एंटी स्किड भी हो जाते हैं। ट्विन टोन कलर में ये जूती देखने को मिल जाएंगे। अपर थोड़ा लाइट जो सामने की तरफ है, उस तरफ थोड़ा सा आपको डार्क ब्राउन में देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल और अट्रैक्टिव ये जूती है दोस्तों। अगर इस जूती को आप परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं से जाके परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जूती के बारे में बात करें दोस्तों, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल, ये थोड़ा सैंडल टाइप का लुक देते हैं दोस्तों, लेकिन ये काफ़ी कंफर्टेबल होती है। जब इसको पहनेंगे तब उसको पता चलेंगे। इसका जो अपर मटेरियल है दोस्तों, ये भी लेदर से बनाया गया है दोस्तों। और साइड में आप स्टिचिंग भी देख रहे हैं, उसके साथ पेस्टिंग भी दिया गया है, इसलिए ये काफ़ी ड्यूरेबल भी हो जाते हैं दोस्तों। इसका जो आउटसोल के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये भी TPR से बनाया गया है, जो कि थर्मोप्लास्टिक रबर होती है। एंटी स्किड बिल्कुल हो जाती है दोस्तों जब आप इसको पहन के चलेंगे। इसकी अंदर कुशनिंग भी अच्छी खासे हैं, इसलिए आप काफ़ी टाइम तक इसको पहन के रख सकते हैं। साइड में देख सकते हैं, थोड़ा बहुत कुशनिंग भी दिया गया है शूज़ की साइड में पीछे की तरफ, क्योंकि नए कोई शूज़ पहनते हैं हम, पीछे से कट जाते पैर, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। बाकी शूज़ को केयर करना बिल्कुल ईजी है दोस्तों। ओकेजन पे कभी भी आप पहनेंगे इसको, इसमें पॉलिश करके ही पहन लेना। बाकी टाइम आप शाइनर भी कर सकते हो, आप मार्केट जाते टाइम इसको आप पहन सकते। बाकी दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना होगा इस जूती को लेने से पहले, इस जूती को आपको कोई भी शूज़ की बॉक्स में बंद करके नहीं रखना है। अगर बॉक्स में बंद करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक ख़राब हो जाएंगे, इसलिए आपको कोई शू रैक में या साइड में रखना होगा, तभी ये जूती काफ़ी कंफर्टेबल और लॉन्ग ड्यूरेबल होगा दोस्तों। अगर इस जूती को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। नेक्स्ट जो जूती के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये भी बाटा की है जलसा जूती। ये काफ़ी फेमस है दोस्तों जलसा जूती नाम से, और काफ़ी कंफर्टेबल है। ये आपको ऑनलाइन को देखने को मिल जाएंगे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, इवन आपके नियर बाई कोई बाटा स्टोर है वहाँ पर जाके मांगेंगे तब भी ये मिल जाएंगे। इसका जो प्राइस दोस्तों 399 to 500 के बीच में रहते हैं। हर टाइम इसका चेंज भी होते रहते हैं, डिस्काउंट का भी आ जाते हैं। इसके मटेरियल की बारे में बात करें दोस्तों, इसका जो अपर मटेरियल है ये प्यू मटेरियल से बनाया गया है दोस्तों, इसीलिए ये वाटर रेजिस्टेंट हो जाते हैं और काफ़ी ड्यूरेबल भी होते हैं। इसका जो आउटसोल है दोस्तों, ये भी सेम प्यू मटेरियल से बनाया गया है। प्यू मटेरियल से बना होने के कारण ये काफ़ी लाइट वेट हो जाते हैं, इसलिए ये आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक पहन के रख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।